जी हम लोग सबको बहुत ये एक मन में दुखी वाला आज का दिन है कि मोहम्मद मुफ्ती सईद जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम लोग का अभी जम्मू कश्मीर में जो भी आगे का कार्यक्रम होगा वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो रास्ते हैं उनका पॉलिसी है उसको आगे लेके चलना होगा। और सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा नेता रहे हैं, तो उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं। देखिए, वो हमारी पार्टी के जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब पहला जो अकलियत है उससे हमारी पार्टी से होम मिनिस्टर थे वो कश्मीर के भी टालेस्ट लीडर थे और उन्होंने वहां जब सरकार चलाई थी तो कश्मीर समस्या का समाधान अटल जी और उन दोनों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री थी कि कश्मीर की समस्या का एक रास्ता निकलना शुरू हुआ था। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता की सरकार बनाई और उन्होंने इतनी चुनौती के बाद भी इसको चलाई, तो अब उनकी सबसे बड़ा श्रद्धांजलि ये होगा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को सफल करें और लोगों में जो आशंकाएं हैं उसको दूर करें। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो आज वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं उनको शपथ दिलाना चाहिए फिलहाल एक काम चालू मुख्यमंत्री के रूप में, और फिर आलोचना यानी एक सहमति बनानी पड़ेगी आस्ते आस्ते कि कौन मुफ्ती की जगह ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद का अचानक निधन हुआ है। वैसे वो कुछ दिनों से ऑल इंडिया शूट के अंदर एडमिट थे, लेकिन वो हमारे बीच से चले जाएंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस दुखद घटना पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को मैं यही एक विश्वास दिलाता हूँ कि उनके जाने के बाद भी उनके बताए हुए रास्तों पर वहाँ के लोग चलें और उसमें हरियाणा की ओर से किसी प्रकार का कोई सहयोग अपेक्षित होगा उसको हम पूरा करेंगे। देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और न केवल देश का बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जिन्हें कि एक राष्ट्रवादी जुनून और जज्बे के साथ प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब काम कर रहे थे, और ऐसे हालात में जबकि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस करने लगा था, उसके अंदर विकास और विश्वास का एक बहुत ही मजबूत माहौल पैदा किया था, ऐसी स्थिति में मुफ्ती साहब का हमारे बीच से जाना निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा सदमा है।